ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhinku swasthya seva jogai da NBFC ICL Fincorp Limited Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate gurudevaya Om namo bhagavate shishu anantaya ध्याये ददनु बाहुं धृतदर धनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासवसानं नवकमलदल स्वर्दिनेत्रं प्रसन्नं वामं कारुणसिता मुखकमलमिळि लोचनं निरदाभवं नानलङ्कारदीप्तं ददत मुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं हे सत्यशिवसुन्दरं 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 सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं हे सत्यशिवसुन्दरं 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 हे सेई सत्यशिवसुन्दर किए ना आम पाई आम गुरु होचंती सत्य शिव सुंदर कारण होजनि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सत्य शिव सुंदर सत्य किए ना जेतेबेले गुरुंकर कथा को सत्य रूपरे पालन करिवो शिव होजनि कोन संहारकर्ता हेला संहारकर्ता माने कोन बेक काटि मारि दे से संहार ना ना संहार करंदी कोन ना आम भितरे ते पाप पताप को संहार करंदी सत्य शिव सुंदर ये पाप ताप जेतेबेले नष्ट हो जाए सेतेबेले आमे बहुत सुंदर भितर हो जाऊ बाहर मध्य हो जाऊ जेतेबेले आमे वास्तवर सुंदर हो जाऊ एटी प्रतिटी गुरु मान होचनी सत्य शिव सुंदर केवल ए सेवक कहिवनी जे मो गुरुदेव केवल सत्य शिव सुंदर ना ना ये संसार भितर जेते गुरु अछंदी मो गुरुदेव सेति पे गोटे कथा लिखिछ ना जगत रे जेते सदा गुरु छन्ति समस्ते गुरु मोरा जगत रे जेते सदा गुरु छन्ति समस्ते गुरु मोरा जणक रूप रे सभिंकु भावुति जणक ये जगतरे जेते गुरु अछंदी समस्ते गुरु मोर बोली विश्वप्रेमी बोले आम गुरुदेव कहले काहेकि ना आमे सबु गुरु को मो गुरु बोली भाबे उचित जेतेबेले आ पर्यंत आमे सबु गुरु को मो गुरु बोली न भाबिबरिया सेतेबेले पर्यंत आमे भाबिबा जे आमे कुपमंडु कहिके अछे एवं आमे वास्तवरे गुरु कोन जानी पारिने सत्य कथा
एमिती अनेक परिवार अच्छा जो परिवार भितर ठाकुर निगमानंद पूजा पाँच विश्वप्रेमी बलिया पूजा पाँच एमती अनेक पर अच्छा जो ठाकुर अनुगुण चंद्र पूजा पाँच विश्वप्रेमी बलिया पूजा पाँच ये हूँ बास्तवर समन्वयवादी कथा एवं एमती पर अच्छा वैकुंठनाथ को पूजा करेमी बलिया पूजा करुगुरु भितर जो भेदभाव न कर रखिकी जगत जिते गुरु समस्ते गुरु मोर एकत्र भावना जिते आसना से आम आश्रम शिशुनंद आश्रम जगत सिंहपुर तीर्तोल अरिल जो आश्रम आम रही जोटी शिशुनंद आविर्भाव स्थल जोटी कालसर्प जोग पड़े जातक जो पश्चिम द्वार रे पूजा करा जाए एबी भी से ही हुंकारु साप भारती एक विराट बड़ गादी एवं जोटी पूर्व द्वार रे सिद्ध द्वार बोली कहा जाए निजर मानसिकता गुआ बसंत ठाकुर पाखे प्रार्थना करती जो दक्षिण द्वार रे शिशुअनंत नृसिंह राम कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ ये मूर्ति देखती एवं जो उत्तर द्वार रे रही सर्वतीर्थर जल रही से शिशुअनंद क्षेत्र रे आविर्भाव क्षेत्र परिवार तीर्थर कथा जो कहा जाए परिवार तीर्थ जो आविर्भाव होती जो शिशुअनंत आविर्भाव होती जो परिवार क्षेत्र बोली कहा जाए से ही क्षेत्र रु ये सेवकर कथा आपण पाखे पहुँचुच एवं कहिबार उद्देश्य हूँ या जे सेटा आम जीवन रे एक एभली कथा आमे यही जो खराब भावना को दूरे देवा से ता गुरु से या गुरु से भावना को दूरे दे आमे शिशुअनंत आश्रम आपण मैंने देखिए केवल समन्वय भाव कथा कह जाए समन्वय मूर्ति समन्वय गुरु मान पूजा कराए कहीं आम भितर भेदाभेद भाव न रहा उचित से ही समन्वय भाव कथा कहवापी शांतनुग पुत्र देवव्रत आज गंगा नदी की बंद कर शांतनु गंगा नदी कूल कह ये किए बंद करा कहार ते सास किए निजुक एत बड़ वीर बोली मन करुच्ची शांतनु आग को चली आसिले कहे मुझे तुम्हें किए एत सामर्थ्य तुम कौट आसला ना मुझे देवव्रत देवव्रत तुम्हें ठीक से ही समय माता गंगा आसिक पहुंची गले कहे कौन है शांतनु कहती ये नदी को बंधे निजर सामर्थ्य मध्यम कहे जाच ये सामर्थ्य कहार ये सामर्थ्य ये शक्तिशाली किए जाच तुम ये तुम पुत्र देवव्रत समाज भितर किंतु आज समाज से ही बोले हो ना गंगा जीवापरे पुत्र देवव्रत को नेबापरे पुत्र को कुशिक्षा देना पुत्र को सुशिक्षा दे सुशिक्षा दे राज्य को केमी परिचालना करें शत्रु केमी संहार करें पिता उत्तम गुणगान कथा शिखे पिता केमी भक्ति करें से कथा शिखी आज समाज में कौन से कथा होदि माँ जदि पुओ को सांगे नहीं जावस से पुआगरे बारंबार पितार दुर्गुण कथा कहे पिता पाखे एम शत्रु बनईदे सीए पाटी आ गुरु गुरुजन मान सम्मान देव ना यह सत्य खराब हो पारती कि शिक्षा सहित संस्कार देवा उचित आम निजर पा मान देख ये शास्त्र कथा किंतु आज समाज भितर एभली एक परिवर्तन देखा देखाई जो परिवर्तन भितरे साधारण जनता साधारण मनुष्य केवल कष्ट आज
माता गंगा को प्रणाम करिसंदी एवं निज पिता को चिन्हि देइसंदी एवं निज पितांग सहित आज पिता पुत्र को भेट करी आलिंगन करुचंदी। पिता मो पुत्र को मु बहुत दिन भेटि नथि, हे पुत्र तुमको बंचेबा पाई, हे देवव्रत तुमको मु बंचेबा पाई, मु मो पत्नी को हरै जी पछे किंतु तुमको मु विदा करै दे नहि। आज पुत्र को साथी धरी निज राजवाटी की फेरी चंती, पिता पुत्र सांगरे खाई चंती, किंतु भागवत कहुचंती कौन ना ये मन स्वभावे चंचल केबे न रहे निसल। गोविंद 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 गड़ुछि मकर, ये शांतनु देखिले जहाँ मोर गोटे एत बड़ पुअटाइलानी आउ राज्य भितर बहुत माने दायित्व दिगला, तांकु मध्य राजकुमार भाव में सजे दिगला, समस्ते देख खुशी हो गले, देखर व्यवहार तर आचरण जार व्यवहार भल थाए जार आचरण भल थाए सी अल्प दिन में समस्त आपणातुर कर रखिपे, समस्त आपणार कर रखिदेले, समस्ते खुशी हो गले। किंतु देवव्रत तांकर सारथी को धरिकी सी आसंदी टी बुलवापी नदीकूले कूले बुलंती, ये जन बुलुबुलु बुलुबुलु सीदिन देखिले जी जने कही जने अपूर्व सुंदरी कन्या सी डंगा चलाउछंती, तांको मन सेठी लगला, तेणु सी कौन कले ना सी बहुत थर जाती डंगारे बसती, दासराज जने थिले तांकर कन्या ये सी माछ धरती, आज सी धीवर जातिर तेणुकरी तांकर कर्तव्य तांकर कर्म होची डंगा चलेबा, किंतु राजा शांतनु से डंगारे प्रतिदिन बहुत थर बसंती, बसु बसु कौन कले से तांको पाखरे प्रेम निवेदन कले, कले मु तुमको विवाह करिवि। कन्या कहते मु तुम बह कर सत, कि मो पिता आग तुम बुझाओ, मो पिता तुम कह। शांतनु से दिन घर को फेरी मन तर चलचंचल थाए केमी राति पाइब केमी पुणी से नदीकूल को जीवे से धीवरंग पाखक जीवे, दासराजा पाखे जा पहुँची गले, पहुँच जा दासराजा को देखा मात्र बहुत आश्चर्य राजा शांतनु मो पाखक आसत बड़े विराट बड़ कथा, शांतनु देखा मात्र हाथ जोड़ी दे दासराजा, दासराजा पचार महाराज मु आपणकर की सेवा करी कहतु, कहले मु शांतनु कह आपणकर कन्या विवाह करबा को चाहूँ। राजा कथा सुनकी दासराजा धीवरंकर मानकर जे राजा सी मध्य कहचंती ये हूँ मोपाई गोटे विराट बड़ सुजोग, किंतु गोटे कथा है तुम परा विवाह कर करी एवं तुमर पुत्र अच्छी जहाँ नाम हूँ देवव्रत, मु मो पुत्र मोर कन्या को तुम सहित बहर करदेवी, आते मो पुत्री मान मो कन्यार संतान हे सी कौन तुम पुत्र राजा हम मो
କନ୍ୟାର ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ ତାର ସେବକ ହେଇକି ରହିବେ? ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ରୀର ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଦେବି। ରାଜା କେବେ ହେଲେ ରାଜି ହେବେ? ଶାନ୍ତନୁ ଶାନ୍ତନୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଦିନ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଯିଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଯାହାର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ଦେବବ୍ରତର, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକାର ନେଇ ଏଠି ଅଧିକାର ଦେବି? ଏଇ କଥା କହିକି ସେ ଜାଗାରୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାଜା ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବବ୍ରତର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ବିବାହଘର କରେଇଦେବି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସିଏ ରଥକୁ ଧରିକି ପଳାନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ। ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଆସିଲା, କ'ଣ ଗଲା ସବୁ ସମ୍ଭାଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ ରାତି ପାହିଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଜି ରଥ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୁମ୍ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତାର ସହ ବସିଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା 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 ନା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିତା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ରଥ ଯିଏ ଚଲାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ କହିଲେ ଟିକେ ମୋ ପିତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଦେଲେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ପିତା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଯିଏ ସତ୍ୟବତୀ, ତାଙ୍କୁ ଦାସରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିବାହର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନା ତୁମେ ଯାଇକି ନିଜେ ବୁଝ, ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ରଥ ଧରିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଦାସରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କିଏ? କହିଲେ ମା ଡାକିଲେ। ଆଗେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ, ଆଗେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ତମେ କିଏ ମତେ ମା ଡାକୁଛ? ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦାସରାଜା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୁଁ ହଉଛି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପିତା ବିବାହଘର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତ୍ର ଯାଉଛି ପିତାଙ୍କର ବିବାହଘର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପୁତ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର, ପୁତ୍ର କେତେ ତ୍ୟାଗ ବାହାନ ପୁତ୍ର ହେଲା। କ'ଣ ତମେ ରାଜା ହେବ ଆଉ ମୋର କନ୍ୟାର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସେବକ ହେବେ? ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ,
संकल्प को राजा हेबिनि कारण तुम्हें सिना राजा हबनि हेले तुमर जो पुत्र माने हेबे सेमान त राजा हेबे जहाँ भी हेले तले कोन करा जइबे सेते बेले से मत्स्य कन्या को धरिक आणिले हाथ धरिक आणिले नदी कूल को हाथ जोड़े आगे कहे माँ मुटी गंगा नदी पाखरे सत्य सत्य त्रिवार सत्य कर आजीवन ब्रह्मचारी रही सत्यवती पुणी कही जे ये तो जहाँ पाखर रही तो कहीं तो मारे जो समर्थवान आजीवन मु ब्रह्मचारी रही राज सिंहासन जीए बस मुझे सुरक्षा देवी हस्तिनापुर राज सिंहासन जीए बस सुरक्षा देवे ये जो संकल्प नहीं गले ये कथा जो शांतनु को कान में पड़ेगा शांतनु से कह पुत्र तुम ये कौन कल तुम तुम पिता ये बड़ त्याग कर पारिल ये भावपूर्ण कथा ये कथा को चिंतन करने पड़ो कत गोटे पिता पुत्र कि संपर्क रही गोटे समाज को संस्कार करने के बड़ त्याग करूँ जीवन आउ गोटे कथा मन रखु मनीष त्याग करवा भल कि एमती किसी संकल्प नवा आज से संकल्प नहीं आई बोली भविष्य महाभारत युद्ध हम जीवन में आम हठात किसी संकल्प नहीं ना उचित किंतु कौन हम ये से अष्टवसु जड़े वसु जी पितामह भीष्म हे भीष्म आज प्रतिज्ञा कले देवव्रत ना भीष्म कहीं से भीष्म प्रतिज्ञा कले कहते भीष्म प्रतिज्ञा ये भली एक भीष्म निज को भस्म करी करी जो निज को जलांजलि से भीष्म कथा आज पढ़ा जा पिता कले रे पुत्र तो पिता ये बड़ त्याग करते बरदान देखी तु इच्छा मृत्यु जिते बड़े चाहबू मरबू तो तो इच्छा बिना तो कहीं भी मारी पारे ना पिता भी से सामर्थ्य देखे शांतनु टी गंगा को जी बहुत पाखे से सामर्थ्य अच्छे कि ये कथा भागवत लिखा अर्थ हूँ गोटे पिता पुत्र संपर्क केमी पिता पुत्र त्याग करेणु शांतनु बहर चतुपार्श्वर जय जयकार भीष्म जय जयकार शांतनु पुत्र जय जयकार होपर कौन है तर दुई पुत्र शांतनु जो बहुत गले दासराजा कन्या को सत्यवती को जो बहुत कले दुईट पुत्र है चित्रांगद और विचित्र विजय दुईट पुत्र हेले एवं ये दुई पुत्र हेले ये उत्तुपाति हेले लेखा जाए आप देखिए एत माने माने क्या क्या मानिले से कहीं कहले मानिले देखिले पितामह भीष्म जी आमर जहाँ को पितामह भीष्म समस्त जानती भीष्म आमर हूँ भाई आमर किए कौन कर गोटे असत चिंतार जदि कि गोटे वैवाहिक जीवन हो धर्म ठाकुर अनुकूल चंद्र कही धर्म अच्छी तुम्हें शोथ्वा बेड्रे ही धर्म रही धर्मर कथा से ही आलोचना कराऊ कारण तुम भविष्य उत्तरदायद माने उत्तम कथार उत्तम भावधारार उत्तम मनीषटे हे तेणुक ये पिला माने कौन है चित्रांगद एवं विचित्र विजय ये बहुत माने उत्पात हेले क्या मानिले तेणु गंधर्व माने कौन कले ना चित्रांगद को मारिदेले जिते मारिदे आउ जन रे किए विचित्र विजय रे
ये विचित्र कौन है विचित्र विद्य कथा समय तो बहुत अल्प आम पाखे आसंता का सका आम श्रवण करवा ये विचित्र वीर्यंग ठारू ही पारिवारिक जीवन आरंभ हो वर्तमान जो जीवन आरंभ हम जो महाभारत हो आरंभ हो कहीं से प्रथम मंजी यू आगे बुणा हे से कथा आम आसंता का सका श्रवण करवा से पर्यटन आम जीवन को भावमय कह ये प्रसंग हूँ भावर कथा से ये कथा हूँ भावरे भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भवरे भवरे भागवत Associate sponsor. Sai Health Science College re padhiba o sabhi ko swasthya seva jogai NBFC ICL FinCorp Limited.